गुड आफ्टरनून गाइस, मैं शीतल बाकरे स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट के लिए बात करते हैं। आज मैं आपसे बात करूंगी, रोज मैं प्रॉफिट तो आप लोगों के साथ शेयर करती ही रहती हूँ, उस प्रॉफिट के पीछे सीक्रेट क्या है, फंडामेंटल्स कैसे देखने चाहिए। मैं हमेशा आप लोगों के साथ फंडामेंटल न्यूज शेयर करते रहती हूँ। आज मैं आपको होमवर्क देने वाली हूँ कि आज किस तरीके से फंडामेंटल न्यूज शेयर कर सकते हो मेरे साथ, या किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए, आज हम लोग 6 स्टॉक के बारे में बात करेंगे, उसमें से एक स्टॉक की फंडामेंटल न्यूज मैं आपको दूंगी और बाकी सारे आपको फाइंड आउट करने हैं। जब तक आप स्टडी नहीं करोगे, जब तक आप खुद स्टडी नहीं करोगे, खुद सर्च नहीं करोगे, तब तक तो डेफिनेटली आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए जब तक आपको स्टडी करने का वे नहीं पता चलेगा, अब आज अगर मुझे प्रॉफिट करना है तो आपको तो एज ऑलवेज पता है कि मेरे पास पूरा स्टडी किया होता है। मैं सुबह 8:30 to 9:30 1 आवर मार्केट के लिए, मेरे क्लाइंट्स के लिए, मेरे स्टूडेंट्स के लिए सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती हूँ, मैं उन लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फिर हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। और सुबह का प्रॉफिट तो आपको पता ही है, हार्डली 10 बजे के पहले हमारा पैकअप हो जाता है स्टॉक मार्केट से। हम लोग जस्ट वॉच करते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं कि क्या हो सकता है। इन बिटवीन हमें कुछ लगा कि हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग चांस मिस नहीं करते। सो दैट इज कॉल्ड स्मार्ट ट्रेडर्स। आपको बनना है स्मार्ट ट्रेडर्स, बनने के लिए फंडामेंटल उतने ही जरूरी होते हैं। यूएसए में आपने देखा कि वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है और पैकेज देने में डिले हो रहा है। जापान ने राहत पैकेज दे दिया है, काफी कंट्रीज में अगेन लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की वजह से आपने देखा कि क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो गई और क्रूड ऑयल नीचे आ गया, और गोल्ड की इनसिक्योरिटी की वजह से अगेन गोल्ड का रेट बढ़ गया। ये हो गया फंडामेंटली। फिर आपने देखा होगा कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट और पावर प्रोडक्शन के लिए, जो पावर प्रोडक्शन हो रहे थे उनके लिए कुछ सहूलत है, अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। उस वजह से 5,000 करोड़ का इंटरेस्ट का बोझा गवर्नमेंट के ऊपर, बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर आते हुए कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं। देन अगर आपने देखा होगा, आयरन की कॉस्ट बढ़ गई है, आयरन की कॉस्ट बढ़ गई है, तो आप मुझे बताओ कौन से सेक्टर्स पे इसका इफेक्ट होगा। तो स्टील सेक्टर्स पे, इसलिए आपने देखा होगा 1500 रुपये टन से स्टील का भाव बढ़ गया। अब स्टील का भाव बढ़ गया तो आपको तो पता है कौन से सेक्टर्स में क्या क्या हो सकता है। अब फंडामेंटली अगर मैं आपको होमवर्क के लिए दूं तो TCS पे आप काम कर लीजिए, प्रेस्टीज पे आप काम कर लीजिए, JSW स्टील पे आप काम कर लीजिए, और इंडियन बैंक में भी आप काम कर सकते हो। अब क्यों, इसकी फंडामेंटल न्यूज क्यों है, अगर आप मुझे पूछोगे कि शीतल कैसे निकालना है, तो देखिए कल्पतरु पावर के बारे में मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। इन्होंने क्या किया है, बोर्ड की तरफ से इनको परमिशन मिली है परचेस ऑफ लैंड्स ₹207 करोड़ की लैंड इनको सांता क्रूज में परचेस की परमिशन मिल गई है। अब सांता क्रूज में इनको परमिशन मिल गई है तो इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, इनके एम्प्लॉयज बढ़ेंगे, इनकी सारी चीज़ें एक्सपांड होने वाली है, मतलब ये पॉजिटिव न्यूज़ है। अब ये पॉजिटिव न्यूज़ इमीजिएटली दूसरे दिन होने वाली है क्या, नहीं, इसके लिए आपको वापस स्टडी करना पड़ेगा कि कौन से पीरियड में ये लोग बाइंग करने वाले हैं, कौन से पीरियड में इन लोगों को इसका बेनिफिट होने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको TCS, आपको प्रेस्टीज, आपको JSW स्टील, इंडियन बैंक, टाटा स्टील में भी आप लोग न्यूज़ निकाल सकते हो, और लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मिड टर्म के हिसाब से, इवन शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। ऐसी एक न्यूज़ आज मुझे मिली थी अबाउट L&T, और उसमें मैंने बहुत अच्छा ट्रेड किया है विद इन कितने मिनट्स हुआ होगा, एक गेस कर सकते हो आप। यस गाइस, विद इन 10 मिनट्स से भी कम टाइम मिला है, बट कब मिला है, जब आपके पास पूरी फंडामेंटल न्यूज होती है, पूरा स्टडी होता है, टेक्निकली लेवल्स होती है, न्यूमोलॉजिकली नंबर्स होते हैं, न्यूमोलॉजिकली डायरेक्शन होती है, तभी जाके विथ फुल नॉलेज कौन सा स्टॉक क्यों लेना है, ये अगर आपको पता है तो चलिए देख लीजिए। 9:30 46 सेकेंड पे मैंने ट्रेड लिया था, मैंने बेच दिया था 1181 पे, और मैंने खरीद भी लिया है उसे 1174 पे, और 941 को मेरा ट्रेड खत्म है। सेल किया, बाय किया, 81 पे सेल है, 74 पे बाय है, तो क्या कितना 575 का लॉट है, कितना प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए आप रेट देख लीजिए,
आपने क्या गलती की होती थी? मैं पहले आपको प्रॉफिट बता देती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपकी गलती कहाँ होती थी। एटी वन पे सेल है, 74 पे बाई है, ट्रेड खत्म है और प्रॉफिट है 10 मिनट पे 3,800 रुपये, 23 पैसा, 3,823.75। पैसे भी तो क्यों छोड़े, पैसे भी तो बहुत ज़रूरी होते हैं स्टॉक मार्केट में। 3,823.75 मेरा आज का प्रॉफिट है। अब आप देख सकते हो एलएनटी का रेट अभी कितना चल रहा है, 82। आपकी क्या गलती होती थी पता है आप लोगों को? आपको भी ऐसे ही प्रॉफिट होता था सुबह के सेशन में, बट आप 74 पे नहीं वेट करते थे, आप वेट करते थे और नीचे आएगा और नीचे आएगा और नीचे आएगा, और वापस वो 82 पे जाता था, तो आप 79-80 पे निकालते थे। सो दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कैसे बुक करना है। जब तक आप नहीं सीखोगे स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट कैसे बुक होता है, तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि पैसे हमें पॉकेट में लेना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज, आज काफ़ी सारी हिंट्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। कल मिड वीक बैच, मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हम लोग थियोरेटिकल पार्ट लेंगे, मंडे ट्यूसडे लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल्स लेंगे। कल 12 से 2 आफ्टरनून बैच है, काफ़ी सारी लेडीज उसमें है, और ऑफ कोर्स हम लोगों की पावर ज़्यादा है स्टॉक मार्केट में, तो लेडीज़ का जो इंटरेस्ट लेडीज़ लेते हैं वो सबसे बेस्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। टिल देन गाइज, मिलते हैं कल क्लासेस में, बाय बाय। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गई, आपने देखा होगा मैंने संडे आप लोगों के साथ निफ्टी का टारगेट दिया था और वो कम्प्लीटली अचीव हुआ है। और ये टारगेट मतलब लाइक 13,500 का टारगेट मैंने आपको बहुत पहले दिया था और वो कम्प्लीट हो गया। टिल देन गाइज, ऑल द बेस्ट, बट येस अगेन, प्रॉफिट बुकिंग बहुत ज़रूरी है।